अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा पूरा ब्लॉग होगा गाड़ी ट्रिप का। और पहले ही बता दूं, अगर ब्लॉग को देखना है और भी वीडियोस देखनी है तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और फिर ज़्यादा ही अच्छी लग जाए और रुपया ना पाए तो वीडियो लाइक ही अब देना, ओके। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाए तो कमेंट ही कर देना, यही कर दो बस, बाकी सब बढ़िया है। हम लोग आपको एक एक करके सारी गाड़ियों का कलेक्शन दिखाएंगे। वो तहा भाई हैं, वो लेके आएंगे गाड़ियाँ एक एक करके। तो पहली गाड़ी तहा भाई के हाथ में देख सकते हैं, वो रही पहली गाड़ी, वो लेके आ रहे हैं ये नीचे उतारते हुए, ये गाड़ी लाते हुए। और ये है पहली गाड़ी, ये हमारी का डाईकास्ट मॉडल है, थोड़ा सा टूट चुका है, पुरानी हो गई है। इसलिए देखते हैं इसके पीछे कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है या नहीं, देख लो। ये रहा हमर का लोगो, इसके पीछे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, देख लेते हैं। सॉरी अगर वो क्लियरली नज़र आ रही हो तो, ये है हमर 2008 मॉडल की SUV H2, और ये है स्केल 1, ये है स्केल 1/40, ये मेड इन चाइना है, किन स्मार्ट लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं किस चीज़ का लिखा हुआ है। ये वैसे देखिए इसका बैक है, इसका एक टायर का वो थोड़ा मिसिंग है तो उसके लिए सॉरी। तो इस गाड़ी को करते हैं हम लोग साइड पे, तो हवाई को बोलते हैं दूसरी गाड़ी लेते हुए आए, और ये देखते हैं कौन सी गाड़ी। ये गाड़ी चल तो, ये रिमोट कंट्रोल कार है, ये RC कार है, ये देख सकते हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसमें इतने सारे बटन किस चीज़ के हैं, तो एक तो चार्जिंग है, ये चार्जेबल कार है, दूसरा ये वॉल क्लाइंबर है, तो ये वॉल पर भी चल सकती है और फ्लोर पर भी चल सकती है, और उसमें से लाइटनिंग बहुत अच्छी चलती है। और ये पूरी गाड़ी कैप्टन अमेरिका की थीम पे ऊपर है, ये देख सकते हैं। ये आई थिंक मैंने 1500 ले ली थी जी, ये हमर का पता नहीं कितने के लिए थी, याद नहीं है। तहा को बोलते हैं दूसरी गाड़ी लेके आए, ये दूसरी गाड़ी लेके आ रहे हैं। ये भी एक RC कार है, ये BMW i8 का डाईकास्ट है, और ये RC कार है, इसके पीछे ये सेल लगते हैं उसमें, ये ऑन ऑफ का बटन, ये टायर्स, और इसमें भी अच्छी सी लाइटिंग आती है। अब तहा को बोलते हैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी लेके आए, जो कि बहुत आला गाड़ी, मतलब बहुत अच्छी गाड़ी है, और ये है Lamborghini। ये भी वही गाड़ी है, ये भी RC कार है, और ये थोड़ी महंगी वाली थी क्योंकि ये इसमें स्टीयरिंग वाला रिमोट कंट्रोल आता है, वो बटन्स वाला नहीं होता। ये बैटरी चार्ज होती है, इसे शायद आई थिंक 2 to 3 आवर्स को चार्ज करना पड़ता है, जिसमें ये 3 to 4 आवर्स चल जाती है आराम से। ये आई थिंक मैंने 3500 की ली थी या 4500 की ली थी, अब वो दूसरी गाड़ी लेके आ रहे हैं। अब जो गाड़ी है कि वो कोई भी RC कार नहीं होगी, वो सारी डाईकास्ट होंगी। ये भी आई थिंक हॉट व्हील्स की गाड़ी है, उसके पीछे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ये देखिए इस पर 81 लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिट चुका है, पुरानी हो गई है इसमें। सो अब कभी और गाड़ियां दिखाते रहेंगे, बाकी इसका इंटीरियर चेक करो क्या थीम के ऊपर बना है। ये पाकिस्तान का झंडा है, ग्रीन और वाइट। तहा भाई एक और गाड़ी ले आए, ये भी हॉट व्हील्स की है, इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे पर्सनली बोलना, बहुत ज़्यादा कलर अच्छा है इसका, मजाक के अलावा F का लोगो, अच्छी तरह से डिजाइनिंग। मेरे ख्याल से ये कोई एस्टन मार्टिन है, आई थिंक भाई को बोलते हैं अपनी दूसरी गाड़ी भी लें। अभी दूसरी गाड़ी है, ये भी एक डाईकास्ट का है, ये आई थिंक BMW का है, 3 सीरीज है या 1, पता नहीं कोई मॉडल है, पता नहीं, देखते हैं। ये आए मुझे तो पक्का पता है ये BMW है, इसको मॉडिफाई किया हुआ है ऐसे कलर में, वो इसके पीछे मेरे चाइना लिखा है और बाकी कुछ भी नहीं है। और ये भी हॉट व्हील्स की गाड़ी है,
मैंने हॉट व्हील से पैक से निकाली थी। तो हम एक दूसरी गाड़ी लाते हुए है, वो है हॉट व्हील, वो भी हॉट व्हील की गाड़ी है, ये है डॉज पुराना मॉडल। इसके पीछे भी कोई नहीं दी हुई, गाड़ी थोड़ी लंबी है दूसरे के हिसाब से, और इसका शाइनिंग कलर है ब्लू, शाइन करता है ये लाइट आती है। तो अगली गाड़ी तहवाई लाते हुए, और ये देखिए ये भी एक हॉट व्हील्स की गाड़ी है, जो तो ऐसे ही चमकती है, सिल्वर कलर है तो ये अच्छी चमकती है, और उसमें जो स्टिकरिंग हुई भी है सुम्मा डाईकास्ट कार है, 95 लिखा हुआ है SRT। और ठीक है, और ये देखिए इधर भी 95 चमक रही है ना, सब सिल्वर याद आ रहा है पूरा चुम्मा। ये गाड़ी भी हॉट व्हील्स की है। अगली गाड़ी तो हम लाते हुए, ये गाड़ी येलो कलर की है, ये डॉज मस्टैंग है, मस्टैंग बोले तो सॉरी मस्टैंग नहीं कमारो नहीं हाँ कमारो है कमारो। ये थोड़ी सी गाड़ी गंदी है बोले तो गंदी, इसके पीछे भी बैठे चाइना लगा हुए, बाकी ये गाड़ी हॉट व्हील्स की है, अजन बड़ी है। और ये दूसरी गाड़ी आते हुए, ये गाड़ी है, ये चेक करो यार, ये गाड़ी हॉट व्हील्स की नहीं है मेरे ख्याल से, ये गाड़ी मुझे गिफ्ट मिली थी, मुझे तो नहीं है, मेरे भाई बताहा को गिफ्ट मिली थी। ये स्पोर्ट्स कार है, ये इसको 4 साल हुए हैं मगर अभी भी चमकती है, सोचो यार, मतलब उसके पीछे इंफॉर्मेशन अच्छी खासी दी हुई है। सॉरी ये गाड़ी भी हॉट व्हील्स की है, ये मेड इन मलेशिया है, सनी क्या क्या लिखा हुआ है, 2012 मेटल पगानी हवरा, कहीं इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगर किसी को पता है तो कमेंट डाउन बेलो। ये खड़ी है, एंड 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 गेम कर दिया यार, ये चेक करो बस। ये दूसरी गाड़ी आते हुए, ये भी पता नहीं मुझे किसकी गाड़ी है, ये गाड़ी आई थिंक कन्वर्टेबल की है, मतलब इसके पीछे तो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, 2013 मेड इन मलेशिया, ये सेम एड्रेस मेरे ख्याल से, ये दो गाड़ियाँ सेम जगह से ली हुई है। बाकी दूसरी गाड़ी ये तो पक्का पता है मुझे कि हॉट व्हील्स की गाड़ी है, क्योंकि हॉट व्हील्स की हर गाड़ी चमकती है, डाईकास्ट चेक करो यार लेवल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको दिखाएंगे। गाड़ी लेके आओ यार जल्दी, क्यों यार टाइम नहीं है यार, स्लो स्लो, ये करके देखो, ये और ये सेम है, अलग अलग जगह से ली हुई है, फिर चेक तो कर लेते हैं, उसके पीछे कुछ लिखा हुआ है भाई, ये इन्होंने पूरी डिटो कॉपी बनाई हुई है, सब कलर चेंज किया हुआ है, बाकी इसमें डाईकास्ट है, मतलब ये हॉट व्हील की गाड़ी है। और कहा भाई अगली गाड़ी लाते हुए, ये गाड़ी तो फुल स्पोर्ट्स कार है, पता नहीं ये हॉट व्हील्स के, मुझे इसका नाम तो पता नहीं है, इपिक फास्ट डाईकास्ट है, जॉइंट 2P1, और जो कलर की जो थीम है ना, एंड कर दिया भाई एंड, और गाड़ी चमकती इतनी अच्छी है जी, वो तो हॉट व्हील्स की हर गाड़ी चमकती है यार, क्या बात कर दी तुमने। अगली गाड़ी आती रही है, ये आ रहा है, ये गाड़ी आ रहा है, बड़ा ये गाड़ी तो चेक करो, इसके सिर्फ लोगो चेक करो यार, डाईकास्ट KNN जो कि कंपनी अच्छी है कोई, मुझे नहीं पता, आपको पता है कंपनी है, इसके पीछे भी हॉट व्हील्स की है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है। अगली गाड़ी तहवर लाते हुए, ये गाड़ी हॉट व्हील्स की है, ये गाड़ी इसकी आई थिंक कॉपी है, गाड़ी मेरे ख्याल से सेम है दोनों मॉडल वॉडल, ये गाड़ी हॉट व्हील्स की है, ये बताने की जरूरत है, देखें ये मेड इन चाइना है, ये गाड़ी हॉट व्हील्स की है, मगर ये जो गाड़ी है ये ज़्यादा हल्की है, ये वाली गाड़ी हल्की है और ये वाली ज़्यादा भारी है, क्योंकि ये ओरिजिनल मेटल डाईकास्ट, इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है मेड इन मलेशिया, मेटल 1186 NPLNN। ये गाड़ी जो बनी हुई है ना यार, एंड कर दिया ये दोनों गाड़ियाँ, ये भी तहवाई की अपनी गाड़ी,
तेरी कहावत के बीच में जो गाड़ी लेके आए उनके रोड सर्विस लिखा है रोड सर्विस बाईपास हर चीज Thank you.